नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सर्द हवा से बड़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ गई है। इसके चलते आने वाले दो दिन में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट के आसार है। इस संबंध में मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2 दिन तक शीतलहर चलने को लेकर आम लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया। अलर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को रांची समेत डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, बोकारो, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, चाईबासा और सिमडेगा में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 2 फरवरी को डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, रांची और गिरिडीह में शीतलहर चलने के आसार हैं। राज्य के कई इलाके में रविवार को शीतलहर की स्थिति रही। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर, डाल्टनगंज में शीतलहर और चाईबासा में 1-2 स्थान पर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी। सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान गिरिडीह में 5.1 और डाल्टनगंज में 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में न्यूनतम तापमान 6.9, कांके में 6.7 और जमशेदपुर में 7.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बोकारो में सामान्य से 3.5 डिग्री और रांची में 4.0 डिग्री नीचे चल रहा है। न्यूनतम तापमान के 5 से 6 डिग्री रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में निचले स्तर पर सर्द हवा के बहाव से ठंड बढ़ी है। बताया गया कि सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच और राज्य के विशेष जिले में 5 से 6 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। झारखंड में पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चे बिना परीक्षा के होंगे पास। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को इस सत्र में प्रमोट किया जाएगा। इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए किसी तरह का आकलन नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें सीधे अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल के बाद राज्य के करीब 26 लाख बच्चों को लाभ मिल सकेगा। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद सरकार ने छोटे बच्चे के भविष्य को देखते हुए अगली कक्षा में प्रमोट करने की पहल की है। ऐसे बच्चों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इन बच्चों को अगले सत्र के लिए नए क्लास में प्रवेश मिल जाएगा। 6ठी से 9वीं तक स्कूल अब खोलेंगे झारखंड सरकार। सरकार लेने जा रहा है बड़ा फैसला। झारखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब जूनियर क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। कक्षाएं इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब खतरा काफी कम हुआ है। इसके बाद कम से कम 6ठी कक्षा के छात्र स्कूल आ सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में 6ठी से 12वीं कक्षा शुरू करने को लेकर शिक्षकों से राय ले रहा है। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। पढ़ाई के दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अभी तक इन कक्षाओं के दौरान किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं देखा गया है। साथ ही कोविड नियमों का पालन कर छात्र छात्राएं स्कूल में सामान्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मिलने से पहले ही विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने की तैयारी चल रही है। 6 महीने का 40 अंडे का कोटा एक दिन में खाएंगे झारखंड के स्कूली बच्चे। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे 6 महीने के 40 अंडे का कोटा एक दिन में ही खाएंगे। बच्चों को अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक अंडा की राशि नहीं दी जा सकी है, लिहाजा अब झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इन 6 महीनों के अंडा के लिए राशि उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस राशि से स्कूल प्रबंधन बच्चों को एक साथ 6 महीने का अंडा या फल खरीद कर उपलब्ध कराएंगे। हर बच्चे को करीब 40-40 अंडे मिलेंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को पोषाहार के लिए सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल देने का प्रावधान है। इस आधार पर किसी सोमवार या बुधवार को छुट्टी नहीं रहने पर हर महीने अधिकतम 8 अंडे मिलने हैं। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 84 दिनों का अंडा छात्र छात्राओं को मिलना है। जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के लिए कुल्हान में चक्काजाम, रेल रोका। वर्ष 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर कुल्हान में आदिवासी संगल अभियान समेत अन्य संगठनों ने रेल रोकी और रोड जाम कर अपनी आवाज़ बुलंद की। कुल्हान के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल रेलवे स्टेशन पर अभियान के 2000 कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया तथा अपनी मांगों के पक्ष में हुंकार भरी। पूर्व आहूत कार्यक्रम के तहत परिवार को इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 कार्यकर्ताओं ने चांडिल रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया।
ढोल नगड़ा मादर एवं बैनर के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे कार्यकर्ताओं में काफी संख्या में महिला भी शामिल थी। उधर आदिवासी संगल अभियान के रेल चक्का जाम को लेकर चांडिल रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ पश्चिमी सिंहभूम के डेरवा स्टेशन में रेल रोको और जमशेदपुर में संगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने कर डीह चौक को किया जाम। पुलिस को जाम हटाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। खबर है झारखंड के चाईबासा से। सुरक्षा बलों ने 34 कैन बमों को ढूंढकर किया डिफ्यूज। झारखंड में सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। मामला पश्चिमी सिंहभूम नक्सल प्रभावित गोयल केरा थाना इलाके का है, जहां जंगली इलाके में कच्ची सड़क पर नक्सलियों ने करीब 34 आईईडी कैन बम को लगाया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए इन कैन बम को सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के अजय लिंडा ने बताया कि अब सभी 34 कैन बम को बरामद किए जाने के साथ ही इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। खबर है झारखंड के गोड्डा से। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री बोले, कॉरपोरेट के हाथों सौंपने के लिए लाया गया है कानून। केंद्र सरकार की 3 नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ जमताड़ा विधायक सह अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी और पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को पीएम मोदी की सरकार ने छलने का काम किया है। किसानों का ऋण माफ होगा, सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया है। किसानों का ऋण माफ हुआ है और आगे भी कई योजना जारी है। झारखंड ने केंद्र से मांगा पारा शिक्षकों के वेतन का पूरा खर्च। केंद्र अगर नहीं दिया तो लागू नहीं हो पाएगी नई शिक्षा नीति। झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पारा शिक्षकों का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। सारे सरकारी और एक समान वेतनमान पाने वाले शिक्षक हो जाएंगे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतनमान पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार से मांगा है। अभी पारा शिक्षकों के मानदेय पर 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई बैठकों में झारखंड सरकार ने यह मांग रखी है, लेकिन शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को नहीं लागू करने के लिए यह मामला केंद्र सरकार के पाले में डाला है। यदि केंद्र इस पर राजी हुआ तब तो नई शिक्षा नीति झारखंड में लागू होगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा। हालांकि राज्य सरकार का तर्क यह है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उसे करीब 60,000 शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी, जिसके वेतनमान पर सालाना करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसलिए इतनी बड़ी रकम अकेले वहन करना उसके वश की बात नहीं है। पहले से ही उसके पास टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। खबर है झारखंड के रांची से। 1 फरवरी से चलेगा जांच अभियान। दुकानों में 2 डस्टबिन नहीं रखा तो 5,000 तक जुर्माना वसूलेगा निगम। राजधानी रांची को कचरा मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर 2 डस्टबिन रखने का आदेश दिया है। इसके तहत दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा के लिए नीला और हरा रंग का डस्टबिन रखना है। गीला और सूखा कचरा को अलग रखने की व्यवस्था की जांच के लिए नगर निगम द्वारा 1 फरवरी से पूरे शहर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान इन दोनों रंग के डस्टबिन नहीं पाए जाने पर अब दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर एयरपोर्ट पर अप्रैल से शुरू होगी विमान सेवा। परिवहन सचिव बोले, विमान कंपनियों से मीटिंग 12 को होगी। देवघर एयरपोर्ट पर अप्रैल से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए देवघर एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने बताया कि 12 फरवरी को विमान कंपनियों के साथ रांची में मीटिंग होनी है। उसमें तय होगा कि कौन सी कंपनी देवघर एयरपोर्ट से कहां के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। इस पर भी निर्णय लिया जाएगा कि देवघर हवाई अड्डे से कितनी फ्लाइटें शुरू होगी। परिवहन सचिव ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित योजना का निरीक्षण करने वह पिछले दिनों देवघर गए हुए थे। वहां कार्य प्रगति तेजी पर है, जिसे देखकर वे संतुष्ट हैं। झारखंड में जल्द लागू होंगे 4 लेबर कोड। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगी ESIC की सुविधा। जल्द ही झारखंड में श्रमिकों के कल्याण और सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों को अमल में लाने के लिए 4 लेबर कोड लागू किए जाएंगे।
नए कानून के लागू होने के बाद राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ईएसआईसी की सुविधा मिलने लगेगी। नए कानून में श्रमिक हित में कई अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। गौरतलब है कि देश में अब तक झारखंड सहित 8 राज्यों ने इस कानून को लागू करने पर सहमति जताई है। 4 नए लेबर कोड में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और वेज कोड शामिल है। विभाग ने इनमें से 3 ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, साथ ही केंद्र श्रम सचिव को इसकी जानकारी भी दे दी है। झारखंड से यूपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कें होगी विकसित, पड़ोसी राज्यों से बनेगा बेहतर सड़क संपर्क। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड से यूपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कों को विकसित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे प्राथमिकता के तहत इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात करें। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 18-20 जनवरी को कंप्यूटर आधारित ली गई थी। पर्षद ने इस परीक्षा के मॉडल उत्तर ईमेल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को भेज दिए थे। उन पर आपत्तियां लेकर समीक्षा के बाद संशोधित मॉडल उत्तर पर्षद की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। 2 से गया हावड़ा और 3 से मालदा पटना एक्सप्रेस चलेगी। गया हावड़ा व मालदा पटना एक्सप्रेस की परिचालन के लिए अनुमति रेलवे विभाग ने दे दी है। गया हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन 2 फरवरी व मालदा पटना एक्सप्रेस का परिचालन 3 फरवरी से शुरू होगा। रेलवे ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। दोनों ट्रेनों से यात्रियों को सफर करने के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। ये दोनों ट्रेन झारखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। झारखंड में कोरोना वायरस से एक और मौत हुई, अब मृतकों की संख्या हुई 1070। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1070 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 118,602 हो गई। बुलेटिन के अनुसार झारखंड में अभी तक 116,904 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। 628 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।